वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुशखुर्रम रखे। ये जो है ये पूरी छत है मेरे पीछे जो आ रहा है, और अभी फुल सहरी का टाइम हो रहा है, और मुझे अभी फ्राई दाल बनानी है क्योंकि फ्राई दाल अभी तक मैंने खाई नहीं है जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं। पराठे के साथ मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हसन को भी बहुत पसंद है, तो फ्राई दाल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी खुद की रेसिपी है भाई, कमेंट करने वाले तो कर देते हैं कि इस तरह कौन पकाता है, उस तरह कौन पकाता है, ये पहले कौन डालता है, ये बाद में कौन डालता है। तो भाई सबका अलग अलग तरीका होता है, हर एक इंसान अलग है, हर एक की अलग सोच होती है, हर एक का खाने का तरीका अलग होता है, पकाने का तरीका अलग होता है। तो मेरा भी अलग तरीका है, और जिसको ट्राई करना हो ट्राई करें, नहीं करना हो तो एज यू विश। और कुछ नहीं, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल बॉयल करके रख ली है, और मैं बॉयल करके डालती हूँ भाई। ये मेरी रेसिपी है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दाल बॉयल करता कौन है, तो मैं करती हूँ बॉयल। मैं यहाँ पर बॉयल करके दाल यूज़ करूँगी दाल फ्राई में। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, अब इसके अंदर मुझे ऑयल ऐड करना है। चूल्हा मैंने पहले ही चला दिया था ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। अब इसके अंदर ये ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं प्याज नहीं, बल्कि इसके अंदर मैं कटे हुए छोटे छोटे लहसुन ऐड करूँगी। ये मेरी रेसिपी है। ऑयल हल्का सा भी, ऑयल जो है हल्का सा अभी ठंडा है, तभी जो है ये जल्दी से ब्राउन नहीं हुआ। अभी जल्दी से ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर देख लेना मैं क्या ऐड करूँगी। ये जो लहसुन या फिर ज़ीरा ये जो भून रहा होता है ना, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। किसे इधर उधर भाग रहे हैं सारे के सारे। यहाँ पर ये लहसुन जो है ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटो और बड़े बड़े टमाटो कटती हैं, करीबा से कट करवाए थे मैंने, कितने बड़े बड़े थे। अच्छा चलो भाई, अब जल्दी से मैं इनको पिघलाऊँ, उसके बाद आगे चलते हैं। स्टार्ट है ये, मैं इसको टमाटर को जल्दी जल्दी पिघला रही हूँ क्योंकि सहरी का टाइम ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला है। सहरी का टाइम बहुत कम रहेगा और मेरे पास टाइम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। टमाटर यहाँ पर बिल्कुल पिघल गए हैं। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, हसब ज़रूरत या हसब जायका। और इसके बाद रेड चिली पाउडर, फुल तड़का लगा दूँ फिर। चलो बस, अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अच्छी तरह से मसाला भूनना है आपको। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लहसुन डाला था, फिर उसके बाद टमाटर। टमाटर बिल्कुल इसमें पिघल गए हैं, या बिल्कुल क्या कहते हैं जो भी कहते हैं हो गए। उसके बाद नमक और फिर रेड पाउडर वाली मिर्च। अब इसके अंदर हम अपनी बॉयल दाल ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी पानी नज़र आ रहा होगा, ये जो है तेज़ आँच पर पिघल जाएगा थोड़ी सी देर। साइड में जो है मैं इसमें तड़का लगाने के लिए जो मसाला तैयार कर रही हूँ वो देखें आप लोग। ये जो है अब मैं तड़का लगाने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। अलग से फ्राई पैन आपको रखना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। उस ऑयल के अंदर आपको प्याज और हरी मिर्च ऐड करनी है साथ में। मैंने कट की थी ये, फायजा ने कट करके रखी थी। ये मिर्च जो है ये हमें बहुत पसंद है, हमें नहीं आपको, फरिया को भी है, अरीबा को भी है। अब ये भी जो है इसमें ऐड करेंगे चलाया। और बस इसके अंदर एक दो तीन चीज़ें हो गई ना, चौथी चीज़ है सफ़ेद ज़ीरा, वो ऐड करेंगे और ब्राउन होने तक इसको ऑयल पर पकने देंगे। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। चार चीज़ें हैं, इनको ब्राउन होने तक आपको ऑयल में पकाना है। यहाँ पर ये बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं चारों चीज़ें। अब इस फ्राई पैन को पूरे को उठा के हम दाल में डाल देंगे। इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं।
अब इसके अंदर लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी फूड कलर। यहाँ पर मेरी चटपटी दाल तैयार है। खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है ना। फर्जो वो अंडा जो उस दिन तुमने बनाया था पहली से ही था। अंडा अच्छा बना रहा है, बिल्कुल आ गया चेन लेकिन उसको सही है। चलो फर्जो रोकना, मैं इसको बस सही है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी। यहाँ पर दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छी बनाइए ना पहले, खा के पता चलेगा। वो चलो भाई लाइट में देखो, यहाँ पर मेरी दाल तैयार है, रोक दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी बनाई थी, 4 बज के बहुत कम टाइम रह गया था, लेकिन फिर भी शुक्र है बन गई, शुक्र है बन गई, शुक्र है बन गई। तो अब जो है मुझे जिस जिसके नाम लेने थे मैं उनका नाम ले लूँ। सबसे पहले आती हैं नर्गिस, देन प्रिंसेस अरूज, बुशरा, अदीना, तानिया, मामा इन द किचन, हलीमा कदीर, अरसलान अकील, फलक किरण मुगल, जमील ब्रिंगशाह, ये कैसा नाम है जमील ब्रिंगशाह, खैर, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। पहले स्टार्टिंग में आते थे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमेंट्स आते थे मेरी वीडियोस पे, अब 200 तक पहुँच जाते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना तो बनता है। जिस जिसके अच्छे कमेंट होंगे उनके उनके नाम के साथ मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। फायजे क्या हरकतें कर रही हो ये? जिस जिसने फायजे की तबीयत का पूछा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट है फायजा, भाग रही है कूद रही है खेल रही है, हमारी नन्नी सी कली फिर से वही हो गई हैं। चलो भाई कॉमेंट्स खुल जाओ, कल वाली वीडियो के कॉमेंट्स पढ़ना है जो हमने पोस्ट की थी, नो हैंड ईटिंग चैलेंज। और मेरी ये वीडियो जो है, सब सारी वीडियोस आज तक मैंने जितने भी पोस्ट किए हैं उसमें 1 रैंक पे चल रही है। थैंक यू सो मच इसको इतना ज़्यादा ताड़ने के लिए। कौन 1 रैंक वो फर्स्ट नेम तो ले लो क्या वीडियो, नो हैंड ईटिंग चैलेंज ले लिया नेम मैंने। अब इसमें सबसे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। हुज़ैफ़ा शाह का कमेंट था कि 2 मिनट्स वीडियो देखी, नेट ड्रॉप हुआ, अभी स्टार्ट किया देखना और क्राइम फेस बनाया हुआ है। बहुत अफसोस हुआ हुज़ैफ़ा शाह मुझे आपकी दुबारी कहानी सुन के। इसके बाद है माही लव का कमेंट है, आप बहुत ही ओवर एक्टिंग करती हैं। थैंक यू सो मच माही लव, मैं ऐसी ही हूँ भाई। रामीन खान, वैसे आज का चैलेंज बहुत अच्छा था। रामीन खान का एक और कमेंट है, आप लोग रोज़ क्या मैक्रोनी ही खाते हैं क्या, इतनी किसको पसंद होती है? तो रामीन खान मुझे और फरीहा को बहुत पसंद होती है, हम दोनों डूब जाएं मैक्रोनी के अंदर, इतनी पसंद है हमें मैक्रोनी। रोज़ा होने वाला, पानी पीती हूँ, सबर। क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, नहीं कल तो 27 टाइम ख़त्म होने वाला है। अरे बहुत ठंडा है, हालत देखो। तो हमारा रोज़ा स्टार्ट हो गया है, बल्कि अभी सारा नहीं हुआ है, लेकिन पानी वानी पी लिया है, पानी पीने खाना पीना ख़त्म कर दिया। तो रामीन खान, फरियान मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है, हमें जब भी खिलाओगे ना हम लोग खाने के लिए सोते हुए हमसे भी उठ के बैठ जाएंगे अगर मैक्रोनी कोई ऑफर करे। 2 मिनट्स। उसके बाद कमेंट है अजमत हुसैन शाहानी, सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें रमज़ान के स्टेटस के लिए। तो भाई जो जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो लोग ही स्टेटस लगाते होंगे, आप लोग यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती, मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करती, मेरी बस फेसबुक और यूट्यूब है। उसके बाद कमेंट हम पढ़ते हैं, जी व्लॉग्स का कमेंट है, डन बट सिस आपको हमें प्रमोट करना चाहिए, आप तो इतने आगे हो, हमने अभी स्टार्ट किया है तो आप लोग अभी मेहनत करें। मैंने भी लगातार 2 महीने मेहनत की है और जब से मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई है उसके बाद मैं भी कंटिन्यूसली वापस से मेहनत स्टार्ट हो गई है, बस बीच में 15 डेज का जो है ब्रेक आया था। आपने कहा था चैनल देखो, देख लिया, रेसिपी विथ मुस्कान, मैं भी हैदराबाद में रहती हूँ। ठीक है भाई मुस्कान, मिलेंगे कभी लॉकडाउन के बाद।
उसके बाद इसका कमेंट, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, माशाल्लाह नाइस, वाओ, गुड, वेरी नाइस। हाँ आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, मुबारक हो। आओ मिल लो गले, आ जाओ। रीवा क्या हो गया? बस बस। और गोपाल सोनिया का भी कमेंट आया था, बहुत मजे की वीडियो थी फरिया, अपनी वाली वीडियो। गोपाल सोनिया का भी कमेंट आया था, नो हैंड ईटिंग चैलेंज वाली, उनको भी बहुत अच्छी लगी वो। और उसके बाद किनको? सिस्टर गोपाल सोनिया जी, सायरन हो रहा है, सायरन हो रहा है फरिया, बंद कर दो पीना। जमील परीक्षा, मेरा भी नाम लो, ले लिया आपका नाम मैंने। और कमेंट्स लोड हो रहे हैं, क्या चीज कमेंट? अब तो मैं भूल गई, ऊपर गए भाई। मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, अरे पागल हो गई है यार, नहीं मैं बैक कैमरा नहीं लगा रही, ऐसा बहुत अच्छा है अरे आपका। ये वाली वीडियो के कमेंट तो भाई यहीं रुक गए हैं, इसके बाद चले रहे ना। इसके बाद जो है ये चीज मैं अब हर वीडियो के एंड में जरूर करूंगी कि लास्ट जो वीडियो होगी उसमें जो जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे वो मैं जो है आप लोगों के नाम के साथ कमेंट्स में पढ़ लूंगी, ताकि लोग आप शौक से मुझे कमेंट्स करें। और हेट कमेंट्स जो होंगे उनको तो स्पेशली मैं नाम लेकर कहूंगी, मुझे अच्छे लगते हैं हेट कमेंट्स, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि बुराइयां ओ अच्छाई तो हर कोई करता रहता है, वाओ नाइस, जब हेड कमेंट आता है ना तब बहुत एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी होती है, कोई तो आया लड़ने, कोई तो आया मैदान में, कोई तो हिम्मत वाला है। तो फिर हेड कमेंट्स जो करते हैं उनके नाम भी मुझे याद है, अच्छी तरह से मुझे उनके नाम याद है, लेकिन मैं लूंगी नहीं। खैर कोई बात नहीं, फायजा क्या कहती हूँ मैं लास्ट में आके कहूँ? नहीं आ रही, आवाज सुना दो अपनी, अरिबा चलो आप। नहीं अरिबा गलत, गलत, फायजा ने भी गलत बताया, अरिबा ने भी गलत बताया। फरिया इधर आओ, फरिया फरिया मैं लास्ट में क्या कहती हूँ आके बताओ, गलत। अब मैं लास्ट में क्या कहती हूँ आप भी बताए, लास्ट का मेरा क्या सेंटेंस होता है क्या कर रही बताओ? अरे भाई हद है, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। गलत, एक एक मिस कर दिया सबने। इन द लास्ट आप देख लो खुद ही, इन लोगों मेरे साथ रहते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है मेरा लास्ट कमेंट नहीं है, एक एक मिस कर दिया सबने। इन द लास्ट कमेंट में था, इन द लास्ट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट में एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।